ओए ओए भाई, लेफ्ट से मार, लेफ्ट से मार यार। कितनी हाई पिन आ रही है भाई, तू खेल, मैं नहीं खेल रहा यार। क्या करूँ, इतनी हाई पिन आती है पबजी की, टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ। सो हे, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। गाइज, अगर आप भी जो पबजी मोबाइल खेलते हो तो भाई उसमें भी आपको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है पिन को लेके। हाँ भाई, आपने वाईफाई यूज कर लिया, हॉटस्पॉट यूज कर लिया, डेटा यूज कर लिया, लेकिन आपका जो है पिन हमेशा हाई आती है, 250, 300, 500, कभी कभी लोगों की तो 900 भी आती है। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी होती थी, लेकिन इस वीडियो में आप सभी को कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनकी मदद से गाइस आपकी जो गेम है एकदम मक्खन चलेगी और पिन जो आएगी बिलो 50 और 60 आएगी, यानी आपकी 70-80 इतनी आएगी, इससे ऊपर आएगी नहीं। तो गाइस आपको ये चीज मैंने खुद वीडियो एंड तक देखते रहना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो ट्रिक है लिमिट बैकग्राउंड यूज। तो भाई अभी आपको क्या करना है, बहुत लोग मैंने देखे हैं कि यार अभी पबजी खेल रहे हैं, सीओडी खेल रहे हैं, जो भी गेम, तो भाई पबजी खेलते हुए मोस्ट ऑफ दी लोग क्या करते हैं कि पीछे बैकग्राउंड ऐप खुली है, कोई इंस्टाग्राम खुला है, कोई फेसबुक खुला है, किसी का भाई ट्विटर खुला है, किसी का यूट्यूब चल रहा है, पीछे गाने चल रहे हैं, तो भाई उससे तो ऑब्वियसली बात है पिन हाई आएगी। तो आपको क्या करना है, आपके अपने फोन की सेटिंग में जाके जो है आपको बैकग्राउंड लिमिट कर देनी है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जो डेटा वाईफाई है वो कहीं ना कहीं जो है कंज्यूम होता रहता है बैकग्राउंड में, कोई एप्लीकेशन क्लिक या फिर डेटा सिंक्रोनाइजिंग और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस अपडेट होते रहते हैं। तो इसकी वजह से जो आपकी पिन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और आपकी गेम काफी ज्यादा लो चलती है। सेकंड ट्रिक है वो हमारी, यूज 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई। तो भाई अभी यहां पे बहुत सारे लोग जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज का यूज करते होंगे, लेकिन 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 जब भी आके एक वाईफाई परचेस करने जा रहे हो, वाईफाई ले रहे हो, तो आपको जो है 5 गीगाहर्ट्ज देखना है, क्योंकि भाई पबजी के लिए या फिर कोई भी गेम के लिए कुछ भी आपको 5 गीगाहर्ट्ज बेस्ट स्पीड प्रोवाइड करता है, तो उसमें आपको जो है बिल्कुल भी पिन की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप पर्सनल यूज करोगे जब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, या फिर आप जब भी किसी से वाईफाई कनेक्शन लेने जा रहे हो तो उससे खुद पूछ लेना, वो आपको खुद ब खुद बता देगा कि क्या जो है इसमें क्या डिफरेंस होता है। इसके बाद जो हमारी थर्ड ट्रिक है वो है यूज गेमिंग मोड। अब आप आज के स्मार्टफोन ले रहे हो, चाहे आपके पास पुराने स्मार्टफोन है, अपडेट के साथ साथ जो आपको हर एक फोन में गेमिंग मोड आता है। यस गाइस, अगर आपके पास वन प्लस, सैमसंग, रेडमी कोई भी फोन है, हर एक फोन में आता है एक्सेप्ट आईफोन, तो उसमें जो आपको गेमिंग मोड हमेशा ऑन रखना है, टर्न ऑन रहना चाहिए। यस, क्योंकि क्या होता है, गेमिंग मोड जो है अपनी बैकग्राउंड एप्लीकेशन जो है बिल्कुल स्टॉप कर देता है, और जो आपको एकदम फुल जो प्रोसेसर होता है फोन का, वो पूरा की पूरा जो है आपके गेम पे ही हैंडल करता है, तो बहुत सही चीज है। आपकी जो गेम बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं होगी, पिन कहीं इधर उधर नहीं जाएगी, कहीं वाईफाई और किसी चीज के लिए नहीं जाएगा, तो ये चीज भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। इसके बाद गाइस हमारी फोर्थ ट्रिक है जो है चेंज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब गाइस बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यार सस्ता वाईफाई लग रहा है तो भाई सस्ता ही लगा लो। अगर गाइस आपको बहुत ज्यादा काम नहीं है, आप पबजी नहीं खेलते, सिर्फ डाउनलोड अपलोडिंग है और ये बस किसी की फोटो लाइक करनी है, तो नॉर्मल वाईफाई लगा सकते हो। कॉम्पिटिटिव गेम खेलते हो जैसे पबजी हो गई, सीओडी हो गई और फोर्टनाइट हो गई, अभी तो बैन हो चुकी है, लेकिन आप ये सब गेम खेल रहे हो तो आपको इसके लिए बहुत अच्छा वाईफाई चाहिए होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जो अपना कॉल करो और बोलो भाई कि यार मेरा नेट चेंज करो, मेरे को जो है हाई एमबीपीएस दो, और जो है बिल्कुल मेरे को एकदम बेस्ट नेट चाहिए कि जिसमें मेरी कभी भी गेम लैग ना हो। तो भाई सस्ते के चक्कर में मत जाओ, अगर ना आपकी गेम तो लैग होने वाली। लास्ट एंड फिफ्थ ट्रिक है हमारी, यूज एयरप्लेन मोड। गाइस बहुत सारे लोग जो होते हैं वाईफाई से खेल रहे हैं, लेकिन उनके पास बार बार बीच बीच में कॉल आती है, तो वो कॉल काट देते हैं, उसके बाद फिर आपके मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, कोई टेक्स्ट मैसेज कर रहा है, कोई जो है वीडियो कॉल कर रहा है, तो भाई आपका चाहे वाईफाई में खेल रहे हो, चाहे कितना भी हाईफाई वाईफाई ले लो, तो आपका जो है गेम पक्का से लैग होगा। लेकिन अगर आप जो है इसको एयरप्लेन मोड पे डाल दोगे, गाइस ये चीज मैंने पर्सनली जो है यूज करी है, एक्सपीरियंस करी है, तो बहुत ज्यादा सही होती है। अगर आप वाईफाई से खेल रहे हो, वैसे तो आप अगर डेटा से खेलोगे तो आपका एयरप्लेन मोड पे जाके बंद हो जाएगा डेटा, लेकिन अगर आप वाईफाई से खेल रहे हो तो आप जो अपना एयरप्लेन मोड हमेशा ऑन रखो। हाँ, कॉल्स नहीं आएगी तो क्या हुआ, लेकिन आपका जो है वाईफाई दी बेस्ट चलेगा गेम में, तो गेम में बहुत ज्यादा सही लगता है। तो गाइस यही थी कुछ 5 ऐसी ट्रिक्स और टिप्स जो आपको मैंने बताई, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आप जो है ब्लूटूथ ईयरफोन्स यूज करते हो तो उनको यूज करना कम करो, आपके स्प्लिटर होगा या फिर ईयरफोन्स होंगे वो यूज करो वायर्ड वाले, उससे जो है ज्यादा अच्छी आपको कनेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि ब्लूटूथ भी जो है आपका कहीं ना कहीं पिन हाई प्रॉब्लम में साथ देता है। तो ये चीज थी गाइस, होप आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछना। इस वीडियो को गाइस लाइक जरूर से करना, शेयर जरूर से करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियोस मैं रोजाना अपने चैनल पे लाते रहता हूं। मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।